वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5 अगस्त को मनाए जाने वाले अन्न महोत्सव की तैयारियों का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। गोरखपुर के आयुक्त सभागार में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में एडीजी जोन अखिल कुमार, डीआईजी प्रतिंदर सिंह, अपर आयुक्त प्रशासन अजय कांत सैनी सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। गौरतलब है कि 5 अगस्त को पूरे प्रदेश में अन्न महोत्सव मनाया जाएगा। इस दिन सरकारी राशन की दुकान पर मौजूद लाभार्थियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संवाद भी करेंगे। इस दिन से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अनाज का वितरण किया जाएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 5 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री अन्न योजना के लाभार्थियों से वर्चुअल संवाद करेंगे। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि राशन वितरण की दुकान पर 100 कुर्सियों की व्यवस्था की जाए, जहां पर योजना के लाभार्थी सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए बैठ सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि राशन वितरण की दुकान पर टेलीविजन की व्यवस्था की जाए, जिससे योजना के लाभार्थी प्रधानमंत्री मोदी की बात सुन सकें। उन्होंने कहा कि जिन जनपदों में बैग नहीं पहुंचा है, वहां अधिकारी सूचना विभाग से बात करके बैग उपलब्ध करवा दें। मुख्यमंत्री ने कहा कि बैग 10 किलो तथा 25 किलो का है। जिन लाभार्थियों को 5 किलो राशन देना होगा, उनको 10 किलो के बैग में राशन देंगे तथा जिन लाभार्थियों को 25 किलो का राशन देना होगा, उनको 25 किलो बैग के साथ राशन देंगे। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सभी प्रदेश के अधिकारी यह ध्यान देंगे कि राशन कार्ड धारकों को राशन का पूरा वितरण किया जाए और सबको जानकारी भी दी जाए कि यह राशन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत वितरित किया जा रहा है, जिससे लोगों को सरकार के जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। 5 तारीख को नियम साहब जो है यहाँ हमारे गोरखपुर में तो 5 गाँव है जो सरगामा ब्लॉक के, इनमें से 10 लोगों को लाभ मिलेगा। खा सकते हैं जैसी फूड की और इस की जो हजार के खर्च आने मिल के भी आ चुके हैं, अभी इसको नियम साहब आपने ले लिया क्योंकि गोरखपुर का वो है, तो इन्होंने संसाई करने के बाद आपने तब कर दिया जाएगा। तो नियम साहब इसी काम तो ऐसे में यहाँ वीडियो लिंक यहीं पर उनको रिकॉर्ड हो जाएंगे। आज की इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री का स्वागत है। आप सभी लोग परिचित हैं कि 5 अगस्त को हमारे प्रधानमंत्री जी के कदमों से सभी जनपदों की सभी हमारे उसको एक पूरे एक महोत्सव की तरह से उसको एक मनाया जाना है, उस संबंध में आज की ये वीडियो कॉन्फ्रेंस है। मैं खाद्य से अनुरोध करूंगा कि इस संबंध में जो शासन के निर्देश जारी हुए हैं, वो एक बार सबकी सुविधा के लिए वो पढ़ने उसके बाद फिर प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करें कि प्रयास शुरू करें। और इस लाभार्थियों को उपलब्ध कराया जा रहा है, उतना ही खाद्यान्न इस योजना में उपलब्ध कराया जा रहा है। तो आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया है, विधिवत आमंत्रित करके और माननीय जनप्रतिनिधियों के उपस्थिति में खाद्यान्न का आपको बंटवाया जाएगा। और आप इसके लिए स्वयं सहायता समूह के और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को भी सुविधा की हेल्प भी ले सकते हैं। साथ ही इससे प्रोग्राम में माननीय जनप्रतिनिधियों का सहभागिता सुनिश्चित किया जाएगा, इंश्योर किया जाएगा। और इसमें माननीय सांसद, माननीय सदस्य, विधानसभा, विधान परिषद, महापौर, जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत, क्षेत्रीय सभासद और सभी ग्राम प्रधानों की सहभागिता भी सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें काफी जो दिशा निर्देश देंगे, उसके अतिरिक्त मैं इसके 2-3 चीजें जरूरी समझती हूँ। इस समय हमारे खाद्यान्न का उठान काफी तीव्र गति से चल रहा है, क्योंकि ये इस पहले एक चरण में पहले हम NFSA का खाद्यान्न उठान करते थे और उसके बाद में PMJKY का। इस बार निर्णय 22 बार का होगा, PMJKY का उठान पहले होगा, उसका वितरण 5 तारीख से शुरू होगा। इसलिए जहाँ जहाँ जिन जिन जनपदों में उठान की पोजीशन अच्छी नहीं है, वो कृपया इसको देख रहे हैं। हम लोगों ने इंश्योर किया है कि 40% तक उठान आज हो गया है और करीब करीब 100% उठान होकर दुकानों तक
तीन तारीख तक पहुंच जाएगा, लेकिन जनपद एटा, जनपद आगरा और गोरखपुर मेरठ, ये सभी जिलाधिकारी नोट कर लें कि आपके यहाँ उत्थान की पोजीशन किन्हीं कारणों में खराब है। कानपुर में थोड़ी सी दिक्कत आई थी क्योंकि आज दिन तक उत्थान इनका थोड़ा सा हैम्पर रहा था। तो ये जनपद विशेष रूप से देखने कि आपका खाद्यान्न पहुँच जाए, और अगर आपका खाद्यान्न पी एन जी के वाई का नहीं भी पहुँचा है, एनएफएससी का उत्थान काफ़ी मात्रा में हो चुका है, उसको आप यूज कर लीजिए और इसको एडजस्ट कर लीजिए, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर लिखित आपका आदेश चाहिए तो लिखित आदेश जारी हो जाएगी। एक दिन में पूरे प्रदेश में 80 लाख लाभार्थियों को बैठ दिए जाने हैं, हम पूरा कोशिश कर रहे हैं, हम प्रयास करके 4 तारीख से पहले 80 लाख बैग जो है उपलब्ध करा देंगे हर जनपद में 100-100 प्रति लाभार्थी के हिसाब से। इसमें मैं ये सबसे अनुरोध करूंगा हर एक कलेक्टर अपना एक बुकलेट पूरी किताब बना ले जिसमें दुकान का नाम कौन नोडल है, हर दुकान का एक नोडल अधिकारी होना चाहिए, कौन नोडल है उसका नाम टेलीफोन नंबर, फिर सोशल मीडिया का वो बनना चाहिए, एक प्रतिनिधि का नाम जो उस दुकान में रहेंगे उस दिन उपस्थित रहेंगे, वो पूरा उनका डिटेल और कौन आपका जो खाद्य विभाग का कर्मचारी अधिकारी करेगा, हर दुकान पर एक नोडल अधिकारी होना है और हर दुकान के लिए जनप्रतिनिधि आपको नामित वहां पे स्थानीय स्तर पर कराना है। इसके साथ साथ जो कई जगह पे बरसात भी हो सकता हो रही हो, 10 जगह पर तो माननीय प्रधानमंत्री जी का एक संभावित है कि वार्ता कराई जाएगी लाभार्थियों से, वो 10 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, लेकिन वहां पर पूरा तोरण द्वार हम आपको डिजाइन भेज रहे हैं, आप लोकल छपवा के उसको लगवा लीजिएगा, हर दुकान पर स्टैंडिंग लगनी है, उसके होर्डिंग वहां पर लगने हैं, वहां पोस्टर लगना है, विज्ञापन यहाँ से जारी हो जाएगा, आपको हम पूरे डिजाइन 2 दिन पहले भिजवा देंगे, स्थानीय स्तर पर आप उसको प्रिंट करा के वहीं लगवा लीजिएगा। इसके साथ साथ जहाँ पर ये माननीय प्रधानमंत्री जी की वार्ता हुई वहाँ टेंट वगैरह लगा के, क्योंकि बरसात का संभावना बरसात की है ही, आप वहाँ पे लगवा के इंतजाम रखिएगा ताकि लाभार्थी बैठ जाए, और हर दुकान पर ये पहले से निर्देश दिए जा चुके हैं, हर दुकान पर एक टीवी सेट और अगर शहर में अवेलेबल है स्क्रीन तो स्क्रीन लगानी, ताकि माननीय प्रधानमंत्री जी माननीय मुख्यमंत्री जी का संदेश सभी लाभार्थी बैठ कर वहाँ पर देख सके, वहाँ पे टेंट के साथ कुर्सियां 100 से ज्यादा कुर्सी लगाई जाएगी, ये भी देखना है कि कोविड का प्रोटोकॉल का पालन करके डिस्टेंस पे वो उनकी कुर्सियां लगाई जाए, ऑडियो विजुअल का इंतजाम होगा, जहाँ से टू वे कम्युनिकेशन होना है वहां से हम लोग टीम यहाँ से भेज रहे हैं जो कि आपको हेल्प करेगी दोनों तरफ वार्ता कराने के लिए, टाइम का वो कराने के लिए। जनपद स्तर पर या फील्ड में जो टीम हमारी काम कर रही है, मैं सबसे पहले आप सबको कोरोना की दूसरी लहर को नियंत्रित करने और अभी हाल ही में संपन्न हुए सभी पर्व और त्योहारों को सकुशल आयोजित करने में जो सफलता आप सबने प्राप्त की है, इसके लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूँ। शांतिपूर्ण तरीके से, सौहार्दपूर्ण तरीके से न केवल पर्व और त्यौहार और सभी कार्यक्रम प्रदेश के अंदर संपन्न हुए हैं, बल्कि कोरोना महामारी पर भी प्रभावी नियंत्रण करने में प्रदेश ने काफी हद तक सफलता प्राप्त की है। कोरोना की दिशा भी जो हमारी कार्रवाई चल रही है, इसमें भी अधिक सतर्कता की आवश्यकता है। एक तो ये देखने को मिल रहा है कि कुछ जनपदों में वैक्सीनेशन की जो ड्राइव चल रही है, इसमें पहला डोज लेने के बाद दूसरी डोज लेने वालों की संख्या काफी कम है। मैंने पहले ही इस बात को कहा था कि हम लोग अगर इस बात को ध्यान में रखेंगे कि ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन के बजाय ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के साथ ही हम उतने फर्स्ट डोज के लिए उतने लोगों को बुलाएं जितने कि वहां पर जिन लोगों को हम उस दिन वैक्सीन उपलब्ध करवा सकते हैं,
और सेकेंड डोज के लिए कॉल सेंटर बना करके अपने लोगों को कंफर्म करवा करके हम लोग अवश्य वैक्सीन उपलब्ध करवाएं, जो अच्छा ड्राइव चल सकता है। अभी इसमें कोरोना की दृष्टि सेकेंड डोज की दृष्टि हमें एक स्पेशल ड्राइव चलाने की आवश्यकता है, क्योंकि कोरोना जब तक पूरी दुनिया से समाप्त नहीं होता है तब तक ये किसी न किसी रूप में इसका खतरा बना रहेगा। तात्कालिक रूप से यह नियंत्रण में दिखाई दे रहा है, लेकिन एक समय के बाद फिर भयावह स्थिति में आ सकता है, इसलिए हम लोग इसके प्रति पहले से सतर्कता बरतेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। दूसरा, निगरानी समितियों ने जो कार्यक्रम चलाए हैं उसकी सतत निगरानी होती रहे। इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल सेंटर जो हम लोगों ने हर जनपद में बनाए हैं ये भी संचालित होते रहे। कोरोना की दृष्टि अगर उसका उपयोग बहुत ज्यादा नहीं है तो मेरा आग्रह होगा कि उनका उपयोग हम निगरानी समितियों के साथ जोड़ने, एडल्ट हेल्पलाइन के साथ जोड़ने, उन लोगों को भी राहत पहुंचाने में स्वच्छता सैनिटाइजेशन की कार्रवाई को इस समय तेज करने के बारे में भी हम उसका उपयोग कर सकते हैं, बेहतर उपयोग उसका होगा। यह समय है जब आप लोग इस कोविड कंट्रोल सेंटर का उपयोग इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के रूप में कर सकते हैं। बरसात के समय कुछ जनपदों में बाढ़ की समस्या आई भी है और आ भी सकती है। पूरा अगस्त महीना उसके लिए लगभग हमारे 35 से 38 जनपद ऐसे हैं जहां पर बाढ़ के दृश्य जो संवेदनशील है, इसके बारे में हमें सतर्कता बरतनी पड़ेगी और उस समय हमें हर प्रकार से पहले से ही इसके प्रति तैयार रहना होगा। एक तो मेरा आग्रह होगा कि सभी लोग इसके बारे में पूरी तैयारी कर लें, इसको देख लें और किसी भी प्रकार से कहीं से भी अव्यवस्था की शिकायत ना निकाले। कुछ कार्यक्रम हैं जिनको लेकर के अभी हमें स्थानीय स्तर पर जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद बना करके इसको एक अच्छे यूनिक इवेंट के रूप में प्रस्तुत करना है। जैसा कि अभी अपर मुख्य सचिव सूचना ने और प्रमुख सचिव खाद्य और रसद ने आपके सामने 5 अगस्त की तिथि के बारे में अवगत कराया है, हम सब जानते हैं कि प्रदेश में लगभग 80,000 सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुड़ी हुई राशन की दुकानें प्रदेश के अंदर मौजूद हैं। इन सभी राशन की दुकानों से प्रदेश के अंदर पात्र गृहस्थी और अंत्योदय के 3,60,00,000 से अधिक हितग्राही इसके साथ जुड़े हुए हैं। हम लोगों ने जनपदों में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के बैग्स उपलब्ध करवाए हैं। जिन जनपदों में नहीं उपलब्ध हो पाए हैं वहां पर वे जल्दी से खाद्य विभाग के साथ या सूचना विभाग के साथ संपर्क करके इन बैग्स को मंगवा लें। ये 10 किलो 25 किलो के बैग्स हैं। अंत्योदय से जुड़े हुए परिवारों को अगर आप 10 किलो का दें, पात्र गृहस्थी में अगर संख्या ज्यादा है उन्हें 25 किलो का बैग उपलब्ध करवाएंगे, उनके लिए राहत भी होगी। टिकाऊ बैग भी हैं, वाटरप्रूफ भी हैं। हर दुकान में हम प्रयास करें कि 100 से लेकर 150 तक बैग्स उपलब्ध हो जाएं। अच्छा होगा 5 अगस्त को ये कार्यक्रम है, उसकी तिथि के साथ साथ समय आपको अलग से उपलब्ध कराया जाएगा। तिथि 5 अगस्त है, समय 11 बजे होना है, 12:30 बजे होना है, तो इसके बारे में अलग से आपको अवगत करा दिया जाएगा, लेकिन आपकी तैयारी रहनी चाहिए। उन स्थितियों के लिए अभी से व्यापक तैयारी, हर दुकान में एक तो 100 से लेकर 150 तक लोगों को बैठने की व्यवस्था,
साफ सफाई उससे पहले अच्छा हो, उस ग्राम पंचायत में, उस गांव में जहां कोठी की दुकान है उसके आसपास के क्षेत्रों में स्वच्छता सैनिटाइजेशन का एक विशेष अभियान हम लोग चलाएं। बारिश की संभावना होगी, हम कार्यक्रम को एक ऐसे स्थान पर करें जहां पे सुरक्षित हो, बरसात से कार्यक्रम में कोई बाधा भी न पैदा हो। एक टेलीविजन सेट या वहां पर हम लोग कोई स्क्रीन लगाएं जहां पर पूरा जो कार्यक्रम लाइव भी होता हुआ दिखाई दे, जहां पर संवाद जिन क्षेत्रों में हितग्राहियों के साथ प्रधानमंत्री जी का होगा वहां पर हम लोग उस प्रकार की सुविधा का विकास भी करें। सूचना विभाग इसके साथ, सूचना विभाग के साथ हमें संवाद बनाना पड़ेगा और उनके साथ संवाद के माध्यम से इस प्रकार की सुविधा को वहां पे देना पड़ेगा। हमारा प्रयास होना चाहिए कि प्रत्येक दुकान से 5 अगस्त को 100 से लेकर 150 तक हितग्राहियों को बैग और उनका खाद्यान्न उपलब्ध हो जाए। याद रखेंगे पूरे कार्यक्रम के दौरान जितने भी लाभार्थी खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए आएंगे उनके पास मास्क होना चाहिए, वहां पर सैनिटाइजर की व्यवस्था हर एक राशन की दुकान में उपलब्ध होना चाहिए। जितने भी लाभार्थी आएंगे उनको एक एक बैग उपलब्ध जरूर करवाएं और उसी बैग में उनको खाद्यान्न ले जाने के लिए उपलब्ध करवाएं। एक उत्सव जैसा माहौल होना चाहिए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना इस संकट का साथी है। आप याद करिए पहली लहर में अप्रैल 2020 से लेकर के नवंबर 2020 तक 8 महीने तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत हर एक लाभार्थी में प्रति यूनिट 5 किलो खाद्यान्न निःशुल्क उपलब्ध करवाने का कार्य किया गया था। इसके अलावा दाल भी उपलब्ध कराई गई थी। दूसरी लहर में मई से लेकर के नवंबर तक हर एक हितग्राही को प्रति यूनिट 5 किलो खाद्यान्न गेहूं या चावल उपलब्ध कराया जा रहा है। इन योजनाओं की जानकारी किस योजना के अंतर्गत है? देखिए अक्सर होता है कि सामान्य परिस्थितियों में एक सामान्य उपभोक्ता या लाभार्थी इस बात को समझता है कि यह जो खाद्यान्न हमें मिल रहा है यह कोटेदार उपलब्ध करवा रहा है। ये सच है लेकिन ये शासन की योजना का हिस्सा है, ये जानकारी उसे नहीं होती। और जब उसे नहीं होती तो उसको ये जानकारी होती है कि तो कोटेदार अपने पास से उपलब्ध करा रहा है। इसका मतलब है कि इसमें अगर वह कम भी देता है तो ये तो उसकी मर्जी पे निर्भर करता है। ये अच्छी स्थिति नहीं है। अगर किसी लाभार्थी के लिए 5 किलो खाद्यान्न अनुमन्य है उसे 5 किलो मिलना ही चाहिए, यह हमारा प्रयास होना चाहिए।